नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यह सभी प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। आप सभी जानते हैं कि विज्ञान में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप 40 में 40 प्रश्न को सही कर देते हैं तो आपका 40 अंक यहाँ से आ जाएगा ऑब्जेक्टिव से। और हाँ, अगर आप अधिक अंक लाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से समझकर याद रखना पड़ेगा। तो आइए प्रश्न को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और उत्तर को याद रखिए। तो प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो प्रश्न को समझ गए होंगे, कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, दुगुनी, ऑप्शन बी आधी, ऑप्शन सी चौथाई, ऑप्शन डी बराबर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए अगर आप जान रहे हैं है तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, आधी होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। प्रश्न को समझ गए होंगे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न देखिए, तीन नंबर, लघु पठन के समय परिपथ में विद्युतता का मापन है। लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मापन है तो क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, बहुत ही अधिक बहर जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, IR2। अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पक्षांभी मांसपेशियों द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर क्या चीज में बदलता है। तो विद्युत मोटर जो है प्रवर्तित करता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर क्या करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, विद्युत बल्ब में फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, टंगस्टन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरे होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 5 सतह से घिरे रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर प्रश्न है आपका कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, समतल दर्पण होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आपका 10 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा किसने खोज की थी, फैराडे ने की थी।
यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर साल लगभग पूछ ही देता है बोर्ड। अगला प्रश्न देखिए, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? तो अधिकतम पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चार, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, अनंत। अगर न्यूनतम पूछता, अगर यहां पे न्यूनतम रहता तो 25 cm, ऑप्शन नंबर सी होता। तो अधिकतम जब भी पूछे तो अनंत होगा और न्यूनतम पूछे तो 25 cm होता है, स्पष्ट देखने की दूरी, अधिकतम अनंत, न्यूनतम 25 cm। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, m^-1। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका, अभिक्रिया CuO+H2 दोनों मिलाकर के Cu+H2O में किसका उपचय होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, H2 का उपचय होता है। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम की संयोगता क्या है? सोडियम की संयोगता क्या है? तो 15 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम की संयुक्ता पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा ए, यानी कि एक। इसका परमाणु संख्या पूछता तब 11 होता परमाणु संख्या, लेकिन यहां क्या पूछ रहा है, सोडियम की संयुक्ता क्या है, तो एक। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया और पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका 7 के बराबर, उदासीन 7 के बराबर, और अगर पूछ दिया जाए कि अम्ल, अम्ल 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 क्या होता है, 7 से कम, क्षारीय क्या होता है, 7 से अधिक, जैसे रक्त क्षारीय है तो रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4, 7.4 होता है रक्त, यानी कि रक्त क्या है, क्षारीय है, तो क्षारीय यानी 7 से अधिक पीएच मान होता है, और उदासीन का 7 के बराबर होता है, और अम्ल का 7 से कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 18, आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, 18, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका 19 नंबर प्रश्न है, कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है कि विद्युत का सुचालक है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका, कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, धातु है, ओ धातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बन एक ओ धातु है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कार्बन क्या है, ओ धातु। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, CH3COOH। अगला प्रश्न देखिए, पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है, पोटेशियम के की परमाणु संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 19,
पोटेशियम के की परमाणु संख्या कितना होता है 19। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है निम्न में से कौन मुख्यतः वायोमेस वायो गैस है। दोस्तों प्रश्न आपका निम्न में से कौन मुख्यतः वायो गैस है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, CH4 यानी मिथेन गैस। वायो गैस किसे कहता है, मिथेन गैस को। तो चलते अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आपका साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, NaCl। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आपका किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, अभिकारक। क्या कहलाता है, अभिकारक, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अभिकारक। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न आपका कौन शून्य वर्ग का तत्व है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हीलियम, एच ई हीलियम शून्य वर्ग का तत्व है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका इनमें सभी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पत्ती यानी पत्ता, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहां होता है, पत्तों में, और पौधा सांस किससे लेता है, पत्ता से, पौधा का रसोई घर क्या होता है, पत्ता। अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य की के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यकृत, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, जल के वहन के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, विसरण द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका दो, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बी और सी दोनों सही है, बी और सी दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है ऑक्सीजन है, तो क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एक हार्मोन, ऑक्सीजन है एक हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका एक नर हार्मोन है, तो एक नर हार्मोन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, टेस्टोस्टेरोन। अगला प्रश्न है, इनमें कौन ओलैंगिक जनन की विधि है, इनमें कौन ओलैंगिक जनन की विधि है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें सभी। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है परागण कोष में होता है, पराग कोष में होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, परागणक। अगले प्रश्न की ओर,
प्रश्न आपका अनुवांशिक गुण का संदेश होता है, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, तो डीएनए अणुओं में, डीएनए अणुओं में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक की पिता कहा जाता है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, गेगर जॉन मेंडल को, यानी कि मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले 40 नंबर प्रश्न है हाइड्रिला पौधे में रंध कहां पाए जाते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन ए हमेशा सीधा, ऑप्शन बी हमेशा उल्टा, ऑप्शन सी उल्टा भी और सीधा भी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब बनता है सीधा, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका देखिए, किसी वस्तु बीम का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बना होता है, किसी वस्तु बीम का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बना होता है, ऑप्शन ए समतल दर्पण से, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन सी अवतल दर्पण से, ऑप्शन डी इनमें से सभी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण से किसी वस्तु बीम का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे बनता है, अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र के बाहर या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच या मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हमेशा जो है कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखना चाहिए। प्रश्न था दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहां रखना चाहिए, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न आपका, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दुगुनी होती है या तिगुनी होती है या चौथाई होती है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपका, हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार किया जाता है वह होता है उत्तल अवतल समतल, उत्तल और अवतल दोनों, तो हजामत बनाने के लिए जिस दर्पण का व्यवहार किया जाता है वह होता है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी सही है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने प्रधान फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने प्रधान फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और वस्तु के बराबर आकार का या काल्पनिक और सीधा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका काल्पनिक और सीधा। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है वह है, जो सतह नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करता है वह है दर्पण, वह है क्या, दर्पण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
जो प्रकाश का परावर्तन कर दे उसे क्या कहेंगे? दर्पण। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और छोटा, काल्पनिक और छोटा। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? दुगुनी। यानी आप यहां देख रहे संकेत, r बराबर क्या होता है? 2f। तो 2 और f फोकस दूरी कितना दिया गया है? 12। तो 2 गुना 12 बराबर कितना हो जाएगा? 24। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है, यानी 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आप संकेत में देख सकते हैं एफ बराबर क्या होता है? आर बाई टू। तो आर आपका कितना दिया गया है? 40। अब बटे 2 कितना हो जाएगा? 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी, 20 cm। अगला प्रश्न है, 10 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 cm की दूरी पर एक वस्तु बीम रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के वक्रता केंद्र पर कहां बनेगा? दर्पण के वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखी एक वस्तु बीम का प्रतिबिंब से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु बीम है, तो आवर्धन क्या होगा? तो आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है? माइनस वी बटे यू। तो आपका, तो देखिए आपका सूत्र होता है एम बराबर माइनस वी बटे यू। तो आपका यहां पर जो दूरी दिया गया है कितना दिया गया है, यानी u बराबर दे दिया आपका 5 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब जो बनेगा उसका दूरी कितना दिया गया है? v बराबर 30 सेंटीमीटर। तो माइनस में है तो देखिए यहां पे बैठा दिया गया है माइनस 30 बटे माइनस 5, तो इसको कटाने के बाद क्या जाएगा? माइनस 6। ये माइनस कहां से आया? क्योंकि ये ब्रैकेट से पहले सूत्र में ही है, सूत्र में ही है, तो माइनस 6। तो माइनस 6 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस भाग पर बनती है? यानी मनुष्य की आंखों में प्रतिबिंब यानी फोटो जो हम लोग जो भी वस्तु देखते हैं उस किस भाग पर बनती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका रेटिना पर बनती है। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस भाग पर बनती है? रेटिना पर बनती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है, मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सिलियरी पेशियां। ऑप्शन नंबर सी सही है। 3 नंबर प्रश्न है आपका, 3 नंबर प्रश्न है, आँखों के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं, आँखों के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं। तो कॉर्निया, आँख में जो गोल सा बड़ा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, जो पारदर्शी होता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, सामान्य आँख के रेटिना यानी दृष्टि पटल, रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं और रेटिना पर ही आँख में इमेज बनता है। तो प्रश्न था, सामान्य आँख के रेटिना यानी दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी मानव के आँख में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आपको प्रश्न इस तरह से भी पूछ दिया जाएगा कि मानव के आँख यानी रेटिना
दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। मानव के आँख में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। आपको इस तरह से प्रश्न पूछ दिया जाएगा। सामान्य आँख के रेटिना यानी दृश्य पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संयोजन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मानव नेत्र के रेटिना में शंकु रूपी सेल प्रतिक्रिया दिखते हैं, मानव नेत्र के रेटिना में शंकु रूपी सेल प्रतिक्रिया दिखते हैं, तो क्या कहेंगे उसे? प्रकाश के वर्ण की, प्रकाश के वर्ण की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मानव नेत्र के रेटिना में शंकु रूपी सेल प्रतिक्रिया देखते हैं प्रकाश के वर्ण की। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, निकट दृष्ट दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होते हैं, निकट दृष्ट दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होते हैं, यानी निकट दृष्ट दोष होता है जो उसके दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगा रहता है चश्मे में? तो अवतल लेंस, अवतल लेंस लगा रहता है निकट दृष्ट दोष को दूर करने के लिए। या निकट दृष्ट दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है कौन सा लेंस? अवतल लेंस, याद रखिएगा, निकट दृष्ट दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है, दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तु को देख सकती है। दूर दृष्टि वाली आँख यानी जिसके पास दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देखती है, क्या देखता है? दूर की ही वस्तु को देखे। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु देखा जाता है और निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु देखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सामान्य आँख, प्रश्न है आपका, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी किसी भी वस्तु को देखने के लिए कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। और अगर पूछ दिया जाए कि सामान्य आँख के लिए अधिकतम कितनी दूरी होती है देखने के लिए, तो अधिकतम अनंत हो जाएगा, अनंत, और नज़दीक कहेगा न्यूनतम, तो 25 सेंटीमीटर। यानी आप आँख के पास जितना करीब लाइएगा, अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा तो आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह आँख के पास जितना नज़दीक लाइएगा, यानी जब तक न उसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होगा तब तक आपको उसे साफ साफ नहीं देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाए जाने वाला लेंस होता है, तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दुई फोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दुई फोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के लिए दुई फोकसी, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। मनुष्य की आँखें वस्तु का प्रतिबिंब
निम्नलिखित में किस भाग पर बनती है, यानी मनुष्य की आँखों में प्रतिबिंब यानी फोटो जो हम लोग जो भी वस्तु देखते हैं उस किस भाग पर बनती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका रेटिना पर बनती है। मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में किस भाग पर बनती है, रेटिना पर बनती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है दो नंबर, मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है। मानव नेत्र की पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सिलियरी पेशियां, ऑप्शन नंबर सी सही है। तीन नंबर प्रश्न है आपका, तीन नंबर प्रश्न है, आँखों के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं। आँखों के गोले के सामने की बीच वाली पारदर्शी परत को कहते हैं, तो कॉर्निया, आँख में जो गोल सा बड़ा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, जो पारदर्शी होता है। अगला प्रश्न है चार नंबर, सामान्य आँख के रेटिना यानी दृष्टिपटल, रेटिना को दृष्टिपटल भी कहते हैं और रेटिना पर ही आँख में इमेज बनता है। तो प्रश्न था, सामान्य आँख के रेटिना यानी दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, यानी मानव के आँख में प्रतिबिंब कैसा बनता है। आपको प्रश्न इस तरह से भी पूछ दिया जाएगा कि मानव के आँख यानी रेटिना दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। मानव के आँख में कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा। आपको इस तरह से प्रश्न पूछ दिया जाएगा, सामान्य आँख के रेटिना यानी दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संयोजन क्षमता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मानव नेत्र के रेटिना में शंकु रूपी सेल प्रतिक्रिया दिखते हैं। मानव नेत्र के रेटिना में शंकु रूपी सेल प्रतिक्रिया दिखते हैं, तो क्या कहेंगे उसे, प्रकाश के वर्ण की, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मानव नेत्र के रेटिना में शंकु रूपी सेल प्रतिक्रिया देखते हैं प्रकाश के वर्ण की। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होते हैं यानी निकट दृष्टि दोष होता है जो उसके दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगा रहता है चश्मे में, तो अवतल लेंस लगा रहता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, या निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है कौन सा लेंस, अवतल लेंस। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तु को देख सकती है। दूर दृष्टि वाली आँख यानी जिसके पास दूर दृष्टि वाली आँख साफ साफ देखती है, क्या देखता है, दूर की ही वस्तु को देखता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु देखा जाता है और निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु देखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है, तो दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सामान्य आंख प्रश्न है आपका, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि न्यूनतम दूरी किसी भी वस्तु को देखने के लिए कितना होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। और अगर पूछ दिया जाए कि सामान्य आंख के लिए अधिकतम कितनी दूरी होती है देखने के लिए, तो अधिकतम अनंत हो जाएगा, अनंत। और नज़दीक कहेगा न्यूनतम, तो 25 सेंटीमीटर। यानी आप आँख के पास जितना करीब लाइएगा, अगर 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा तो आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह आँख के पास जितना नज़दीक लाइएगा, यानी जब तक न उसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होगा तब तक आपको उसे साफ साफ नहीं देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाए जाने वाला लेंस होता है। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए दुई फोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दुई फोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष के लिए दुई फोकसी, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। दोस्तों ये सभी 12 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जो कि आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में विज्ञान में जरूर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। धन्यवाद, आप इसी तरह से देखते रहिए वीडियो। अगर हाँ आप यहाँ तक आए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।